नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैकेनिकल फिटर के लिए कुछ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन मैकेनिकल सील टॉपिक पे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें और आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ मैकेनिकल सील इज नॉट रोटेट विद शाफ्ट, यानी मैकेनिकल सील का कौन सा पार्ट शाफ्ट के साथ रोटेट नहीं करता। तो इसके ऑप्शन है रोटरी पार्ट, ऑप्शन बी है स्टेशनरी पार्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेशनरी पार्ट। स्टेशनरी पार्ट जो होता है वो शाफ्ट के साथ रोटेट नहीं करता क्योंकि वो स्टफिंग बॉक्स में फिक्स रहता है, और जो रोटरी पार्ट होता है मैकेनिकल सील का वो शाफ्ट के ऊपर लगता है और ये शाफ्ट के साथ रोटेट करता है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई मैकेनिकल सील इज यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी मैकेनिकल सील का सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों यूज किया जाता है, किस पर्पज से मैकेनिकल सील का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रिवेंट द लीकेज ऑफ ऑयल इन बियरिंग हाउसिंग, ऑप्शन बी है प्रिवेंट द लीकेज ऑफ लिक्विड इन केसिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रिवेंट द लीकेज ऑफ लिक्विड इन केसिंग। केसिंग के बीच में जो लिक्विड होता है पंप की उसको लीक प्रूफ बनाने के लिए मैकेनिकल सील का यूज किया जाता है, और जो बियरिंग हाउसिंग में ऑयल होता है इसको लीक प्रूफ बनाने के लिए ऑयल सील का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इफेक्ट ऑन मैकेनिकल सील इफ इंक्रीज एक्सियल क्लीयरेंस इन बियरिंग, यानी अगर बियरिंग में एक्सियल क्लीयरेंस बढ़ जाए तो मैकेनिकल सील के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन ए है माइनर गैप बिटवीन बोथ फेसेस, यानी दोनों फेसेस में हल्का सा गैप बन जाएगा। ऑप्शन बी है मैकेनिकल सील कैन बी डैमेज, यानी मैकेनिकल सील डैमेज भी हो सकती है। ऑप्शन सी है बोथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ, यानी अगर बियरिंग में एक्सियल क्लीयरेंस बढ़ जाए तो शाफ्ट में हल्की मूवमेंट आ जाती है तो दोनों फेसेस के बीच में माइनर गैप बन जाता है, और अगर शाफ्ट हल्की सी मूव करेगी तो दोनों फेसेस एक दूसरे को हिट करेंगे और मैकेनिकल सील डैमेज भी हो सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। अभी क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, विच कॉम्बिनेशन इज बेस्ट फॉर मैकेनिकल सील फेसेस, यानी मैकेनिकल सील के फेसेस के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। ऑप्शन ए कार्बन वर्सेस सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी टंगस्टन कार्बाइड वर्सेस सेरामिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कार्बन वर्सेस सिलिकॉन कार्बाइड। मैकेनिकल सील का एक फेस हार्ड मटेरियल का होता है और दूसरा सॉफ्ट मटेरियल का, तो ऑप्शन ए इसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल सील, इनमें से कौन सा मैकेनिकल सील का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए ग्रब स्क्रू, ऑप्शन बी स्लीव एंड ऑप्शन सी ओरिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्लीव। स्लीव पंप की शाफ्ट के ऊपर फिट होती है और ग्रब स्क्रू मैकेनिकल सील को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है, और ओरिंग उसकी मैकेनिकल सील में शाफ्ट के रास्ते से जो लीकेज होती है उसको रोकने के लिए ओरिंग का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन विच कॉम्पोनेंट स्टेशनरी पार्ट इज फिटेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप के किस कंपोनेंट में स्टेशनरी पार्ट को फिट किया जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए है स्टफिंग बॉक्स, ऑप्शन बी है शाफ्ट, ऑप्शन सी है बियरिंग हाउसिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स में स्टेशनरी पार्ट को फिट किया जाता है और बियरिंग हाउसिंग में फिट होते हैं पंप के बियरिंग। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द रीजन ऑफ मैकेनिकल सील फेसेस हीट अप, यानी मैकेनिकल सील फेसेस के हीट अप होने के क्या कारण होते हैं। ऑप्शन ए लैक ऑफ सील वाटर, ऑप्शन बी पंप ड्राई रनिंग, ऑप्शन सी बोथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बोथ। अगर मैकेनिकल सील में सील वाटर यानी कूलिंग वाटर ना लगाया जाए तो भी मैकेनिकल सील के दोनों फेसेस गर्म हो जाते हैं, और अगर हमारा पंप ड्राई रनिंग करेगा तो धीरे धीरे पंप की केसिंग गर्म हो जाएगी और उसके बाद ये हीट शाफ्ट और मैकेनिकल सील की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी और मैकेनिकल सील के फेसेस भी हीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एट,
व्हाट इफेक्ट ऑन मैकेनिकल सील इफ लॉकिंग ग्रब स्क्रू इज लूज, यानी अगर मैकेनिकल सील के जो ग्रबिंग स्क्रू होते हैं यानी लॉकिंग स्क्रू होते हैं अगर वो लूज रह जाएं तो मैकेनिकल सील के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए रिमूव टेंशन इन रोटरी पार्ट, ऑप्शन बी मैकेनिकल सील फेसेस हीट अप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी रिमूव टेंशन इन रोटरी पार्ट, यानी अगर रोटरी पार्ट में जो ग्रब स्क्रू लगे होते हैं अगर वो लूज रह जाएंगे तो स्प्रिंग के बीच में टेंशन खत्म हो जाएगी और रोटरी पार्ट अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएगा और पंप की मैकेनिकल सील लीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, डज मिसअलाइनमेंट इफेक्ट ऑन बियरिंग एंड मैकेनिकल सील, क्या अगर पंप की अलाइनमेंट ठीक ना हो तो बियरिंग और मैकेनिकल सील के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यस, अगर पंप में मिसअलाइनमेंट हो तो बियरिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और मैकेनिकल सील के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। पहले धीरे धीरे पंप के बियरिंग डैमेज हो जाएंगे और फिर इसमें अगर क्लीयरेंस बढ़ गई तो मैकेनिकल सील भी डैमेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, डज ग्लैंड पैकिंग गिव 100% लीक प्रूफ लाइक मैकेनिकल सील, क्या ग्लैंड पैकिंग मैकेनिकल सील की तरह 100% लीक प्रूफ कर पाती है। ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नो, यानी अगर हम पंप में ग्लैंड पैकिंग का यूज करेंगे तो वो 100% लीक प्रूफ नहीं रहेगा, उसमें ड्रॉप लीकेज के चांसेस रहेंगे। 100% लीक प्रूफ के लिए मैकेनिकल सील का यूज किया जाता है। तो गाइज ये क्वेश्चन मैकेनिकल फिटर को मैकेनिकल सील टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।